मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। आज हम बात करने जा रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन पे। बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम किडनी की एक कॉमनेस्ट बीमारी है। पिछले 30 साल में मैंने लगभग कम से कम 1,00,000 बच्चे अंदाजन ऐसे देखे होंगे जिनको ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोज किया है। ये एक न्यूबॉर्न से लेके 16-18 साल तक के बच्चे में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहले हम बताएंगे कि व्हाट एग्जैक्टली डू वी अंडरस्टैंड बाय नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये चीज़ क्या है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो किडनी प्रोटीन लीकेज होता है, तो हमारी दो किडनीज होती हैं, अगर उसको हम बारीकी में देखें तो उसमें ऐसे चाय की छलनी जैसे 10,00,000 फिल्टर लगे होते हैं। ये आप देख रहे हैं, इसके होल बड़े पतले पतले होल होते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, ब्लड आता है, फिल्टर हो जाता है और जो ज़्यादा पानी है पेशाब के रूप में निकल जाता है। जो ब्लड में प्रोटीन होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो फिल्टर आउट हो जाते हैं, जो लीक नहीं करते, और जो ज़्यादा पानी है और टॉक्सिन्स हैं वो इसमें से लीक करके पेशाब के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, ये जो फिल्टर्स हैं किडनी के, छलनी है, उसके छेद बड़े हो जाते हैं। छेद आप छोटे छोटे देख रहे हैं, आप समझ लीजिए इतना बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से जो यूरिन आ रहा बनता है उसमें साथ यूरिन में प्रोटीन लीकेज आ जाता है। तो जब ब्लड में प्रोटीन की कमी होती है तो जो ब्लड का वाटर कंपोनेंट है वो बाहर लीक हो जाता है और इससे सूजन आ जाती है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, एक प्रोटीन लीकेज होता है यूरिन में, जिसे प्रोटीनूरिया बोलते हैं। ब्लड लीकेज की वजह से हाइपोएल्युमिनेमिया होता है। तीसरा इडीमा होता है, सूजन होती है। और चौथे नंबर पे आता है हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, लिवर अपरेगुलेट करता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। आम तौर पे ज़्यादातर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में शुरुआत में किडनी फंक्शन नॉर्मल होता है और ये क्योरेबल, बहुत कम बीमारियाँ हैं किडनी की जो कम्प्लीटली क्योरेबल हैं, नेफ्रोटिक सिंड्रोम उनमें से एक है। तो अगर आपके बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोज किया, आप ज़्यादा पैनिक भी करें, ये मत सोचें कि इसकी किडनी डैमेज हो रही है और इसका अच्छा उपचार मौजूद है। नेक्स्ट ये बात आती है, व्हाट कॉजेज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्यों होता है। तो इस पर मैं पिछले 30 साल से रिसर्च कर रहा हूँ और हमने नेफ्रोटिक सिंड्रोम में के अलग अलग एस्पेक्ट्स पे बहुत सारी साइंटिफिक पब्लिकेशंस की हैं। हमने इस पे ये भी स्टडी किया कि ये क्यों होता है। तो एग्जैक्ट कॉज तो इसका पता नहीं है, इसलिए इसे इडियोपैथिक नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोला जाता है। लेकिन इतना पता चला है कि दो कॉमन कारण होते हैं जिन बच्चों में नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ। एक तो एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, कुछ जीन्स वीक होते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, जिसके कारण जो फिल्ट्रेशन बैरियर है किडनीज का वो डिफेक्टिव होता है और प्रोटीन लीकेज हो जाता है। तो जेनेटिक कॉजेज हुए। सेकेंड एक ट्रिगर होता है, जेनेटिक जीन्स तो बाय बर्थ डिसाइड हो जाते हैं लेकिन फिर भी कुछ बच्चों को बाद में जाके होता है। तो एक ट्रिगर ऐसा होता है जो जिससे, यानी किसी कोई चीज़ होती है जो एलर्जी पैदा करती है। तो इन दैट सेंस नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक एलर्जिक डिजीज है। तो ये जब दोनों बच्चों में इकट्ठे हो जाता है, एक ट्रिगर इन बैकग्राउंड सेटिंग और जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, तो जो किडनी के फिल्टर्स हैं वो खुल जाते हैं और प्रोटीन लीकेज शुरू हो जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स में से पूछते हैं, क्या अगर एक बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो अगला बच्चा हम पैदा करेंगे उसमें ये रिस्क रहता है। ये डिपेंड करता है कि किस टाइप ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। अगर स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम है जो कि बहुत ईजिली क्योरेबल है, तो उसमें रिस्क मिनिमल है। जो हमारे एक्सपीरियंस रहा है कि 3% में लगभग फैमिली हिस्ट्री होती है। और लेकिन हाँ, अगर स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो इसमें हम कुछ जीन्स आइडेंटिफाई कर दिए गए हैं, ऐसे में खासकर फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसिस तो रिस्क बढ़ जाता है, कंजेनिटल नेफ्रोटिक सिंड्रोम में तो रिस्क बढ़ जाता है। तो कुछ वेराइटीज़ ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रिस्क ज़्यादा होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज जो 95% ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं, जो स्टेरॉयड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम होते हैं, उसमें कोई विशेष जेनेटिक रिस्क नहीं है। तो आप अगर अपना अगली फैमिली प्लान कर रहे हैं और तो निश्चिंत होकर फैमिली प्लान कर सकते हैं। तीसरा सवाल जो लोग मेरे से पूछते हैं, पेरेंट्स पूछते हैं कि कैसे पता चलेगा कि बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो जो अर्लीस्ट सिम्टम हमने देखा है जिसके साथ बच्चे मेरे पास आते हैं, वो आँखों के आसपास हल्की सी सूजन होती है। और आमतौर पे ये सूजन को हम एलर्जी से कंफ्यूज करते हैं।
तो अगर कभी भी आपके बच्चे को आंखों के आसपास सूजन है, खासकर सुबह जब वो उठता है, तो एक यूरिन टेस्ट, साधारण यूरिन टेस्ट करें, और यूरिन में अगर प्रोटीन आ रहा है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। कई बार महीने महीनों के महीने बच्चों का ये एलर्जी के लिए ट्रीटमेंट हो रहा होता है, उनको प्रॉपर टेस्ट नहीं होते और हमारे पास बहुत लेट आते हैं, तो लेट स्टेजेस में सूजन बहुत बढ़ जाती है। जो आंखों से हल्की सी सूजन शुरू होती है वो चेहरे पे जाती है, फिर पैरों पे जाती है, पेट पे जाती है, और धीरे धीरे बच्चा बहुत बुरी तरह सूज जाता है। तो अगर हम इसको स्टार्टिंग में ही पकड़ लेंगे तो बहुत ट्रीटमेंट बहुत आसान होता है, कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाती है। तो एक सिंपल यूरिन टेस्ट से नेफ्रोटिक सिंड्रोम को पकड़ना, सस्पेक्ट करना बहुत आसान काम है। कन्फर्मेशन के लिए हम ब्लड टेस्ट करते हैं, जिसमें यूरिया क्रिएटिन आमतौर पर नॉर्मल होता है, सीरम प्रोटीन एल्बुमिन कम हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। तो इन सब चीज़ों से हम बहुत आसानी से नेफ्रोटिक सिंड्रोम डायग्नोज कर सकते हैं। किडनीज का साइज इसमें जनरली नॉर्मल रहता है, अगर किडनी सिकड़ी हुई है तो इसमें क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है, एक अलग डिजीज़ होती है। और नेक्स्ट ये आता है कि क्या इसका ट्रीटमेंट है, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो 95% ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इन चिल्ड्रन इज इजीली ट्रीटेबल। हाँ, अगर एज ऑफ ऑनसेट लेस देन 2 ईयर्स है या मोर देन 8 ईयर्स है तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बहुत आसान और सिंपल और चीप ट्रीटमेंट अवेलेबल है। इसे हाँ, इसमें हम स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं। स्टेरॉइड्स की बहुत ही टाइम टेस्टेड ट्रीटमेंट है, पिछले 50 साल से नेफ्रोटिक सिंड्रोम की ट्रीटमेंट है। और अगर आपको स्टेरॉइड्स आपके बच्चे को दिए जा रहे हैं तो आप घबराएं नहीं, क्योंकि यही इसका एकमात्र इलाज है। तो पहली बार जब ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, हम कम से कम 3 महीने देते हैं, 1.5 महीना डेली, 1.5 महीना एक दिन छोड़ के एक दिन, और फिर धीरे धीरे कम करते हैं स्टेरॉइड्स। फर्स्ट टाइम एडिक्वेट ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि 95% ऑफ दिस चिल्ड्रन ये इनके फिल्टर्स स्टेरॉइड से टाइट हो जाएंगे, लेकिन जो कॉमनेस्ट मिस्टेक हमने देखी है, हमने इस पर एक स्टडी भी की थी कि क्या कितनी ट्रीटमेंट एडिक्वेट मिल रही है, तो हमने देखा कि वो लगभग 30-40% बच्चों को ही एडिक्वेट ट्रीटमेंट मिलती है। ज़्यादातर जैसे ही प्रोटीन हिल होता है, सूजन कम होती है, दवाई बंद कर देते हैं। तो अगर हम जल्दी दवाई बंद करेंगे तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम दोबारा आ सकता है, जिसे हम रिलैप्स बोलते हैं। एज सच भी अगर हम 100 बच्चों का इलाज करें तो 80% पे एक बार जरूर नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिलैप्स करेगा ही करेगा। ये वन शॉट ट्रीटमेंट नहीं होता है, बार बार हम स्टेरॉइड्स देंगे, फिल्टर्स को टाइट करेंगे, तब जाके कंप्लीट रिमिशन, कंप्लीट क्योर होता है, और इसमें कई बार कई साल लग जाते हैं। तो स्टेरॉइड ट्रीटमेंट शुड बी गिवन अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन ऑफ अ पीडियाट्रिक किडनी डिजीज स्पेशलिस्ट, उसे कंसल्ट करें इन पार्टनरशिप विद अ पीडियाट्रिशियन जो इनकी डे टू डे प्रॉब्लम्स को मैनेज करेगा। अगला सवाल है, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ स्टेरॉइड्स। क्योंकि जैसे ही मैं स्टेरॉइड बोलता हूँ तो बहुत सारे पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं, दवाई लिखवा तो जाते हैं लेकिन जाके घर में बंद कर देते हैं और रिलैप्स आ जाता है। तो स्टेरॉइड्स डेफिनेटली लाइक ऑल अदर मेडिसिंस हैव गॉट देयर साइड इफेक्ट्स। क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? एक तो चेहरे पे सूजन आ जाती है स्टेरॉइड्स की, जिसे कुशिंग बर्ड फेसेस बोलते हैं, मून फेसेस बोलते हैं, यानी मून जैसा चेहरा हो जाता है, और बॉडी पे पेट पे भी सूजन आ जाती है, बैक पे भी सूजन आ जाती है। कई लोग इसको डिजीज़ से कंफ्यूज करते हैं और दवाई बंद कर देते हैं, दवाई बंद करेंगे इमिजिएटली रिलैप्स हो जाएगा। तो नंबर 2 पे आता है भूख ज़्यादा लगती है, तो हम तो आपको थोड़ा बच्चे को डाइट पे ध्यान देना है, फैटी फूड्स नहीं देने हैं। नंबर 3 जो ज़्यादा हम उनको परेशानी है वो होता है ग्रोथ रुक जाती है बच्चे की, तो इसलिए एक सीमित मात्रा में एक प्रॉपर प्रोटोकॉल, इसका साइंटिफिक प्रोटोकॉल बहुत सारी रिसर्च के पास बात बनाया गया है, तो आप इसी एक्सपर्ट के सुपरविजन में दें। ये तो सभी जानते हैं, क्वैक्स भी जानते हैं कि स्टेरॉइड्स देते हैं, वो अगर आपको टैबलेट नहीं देंगे तो कोई काढ़ा पिला के दे देंगे, पुड़िया बना के दे देंगे, कहेंगे कि हम स्टेरॉइड नहीं दे रहे, लेकिन स्टेरॉइड के अलावा आज तक पिछले 50 सालों में कोई इससे इफेक्टिव दवाई नहीं आई। तो हाइट रुक जाती है, इसके लिए हम एक प्रॉपर प्रोटोकॉल से देते हैं, और अगर बार बार रिलैप्सेस हो रहे हैं तो हम स्टेरॉइड्स की सेकेंड लाइन ड्रग्स भी देते हैं, जल्दी यूज़ करते हैं ताकि स्टेरॉइड साइड इफेक्ट्स ना हो।
चौथे नंबर पे आता है बोन्स, स्टेरॉइड ऑस्टियोपोरोसिस करते हैं। हमारी संजय गांधी पीजीआई में जब मैं था तो हमने एक रिसर्च पब्लिश करी कि देखा कि 70% बच्चों में स्टेरॉइड्स की वजह से हड्डी में कमजोरी आ जाती है। तो उसको काउंटर करने के लिए हम कैल्शियम विटामिन डी देते हैं और टाइम टू टाइम बोन डेंसिटी करके देख सकते हैं। अगर हड्डी ज़्यादा कमज़ोर हो रही है तो सेकेंड लाइन ड्रग्स पर जा सकते हैं। और पांचवे नंबर पे आता है कि ज़्यादा स्टेरॉइड्स दें तो आँख में मोतियाबिंद या कैटरैक्ट बन जाता है। इसलिए पीरियोडिक एनुअल हेल्थ एग्जामिनेशन बाय आई एग्जामिनेशन बाय आई डॉक्टर इज रिक्वायर्ड, ताकि वो कैटरैक्ट अगर हो रहा है तो हम फिर भी सेकेंड लाइन ड्रग्स पर जा सकें। नेक्स्ट ये आता है कि वॉट आर दी ऑल्टरनेटिव ड्रग्स टू स्टेरॉइड्स। तो आज से 30 साल पहले जब मैंने अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का इलाज करना शुरू किया, हमारे पास ज़्यादा दवाई नहीं थी। एक स्टेरॉइड्स होती थी, एक साइक्लोपोस्टामाइन नाम की दवाई होती थी। आज हमारे पास सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन पर बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ मौजूद हैं। नंबर वन पे तो स्टेरॉइड्स आता है, नंबर टू पे एक कीड़े की दवा आती है लिबेमिसॉल, वर्मिसॉल होती है, बहुत सस्ती है लेकिन इफेक्ट भी कम है, लेकिन एडवांटेज है साइड इफेक्ट्स भी कम है, चीप भी, सस्ती भी बहुत है। नंबर तीन पे माइकोफिनलेट मोफिटिल है, ये भी एक बहुत इफेक्टिव दवा आई है, ये थोड़ी एक्सपेंसिव दवाई है। एफिकेसी इसकी अगर स्टेरॉइड डिपेंडेंट है तो बहुत अच्छी दवाई नहीं है, फ्रीक्वेंट रिलैप्सर है तो 20-30% में असर कर सकती है, लेकिन साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। सिर्फ एक डिसएडवांटेज है कि बहुत महंगी दवाई है। नंबर चार पे जो आती है साइक्लोपोस्टामाइन, साइक्लोपोस्टामाइन बहुत सस्ती टाइम ट्रस्टेड दवाई है, सबसे इफेक्टिव दवाई है स्टेरॉइड डिपेंडेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। जो हमारी अपनी रिसर्च है वो बताती है कि 60-80% बच्चे इससे ठीक हो जाते हैं, लेकिन इसको प्रॉपर डोज और प्रॉपर ड्यूरेशन में देना चाहिए, क्योंकि एक सीमित मात्रा में हम साइक्लोपोस्टामाइन देते हैं। साइक्लोपोस्टामाइन अगर ज़्यादा डोज में दी जाए तो स्टेरिलिटी करती है, कैंसर्स कर सकती है, और कैंसर में भी ये दवाई इस्तेमाल होती है। तो जब भी हम मैं साइक्लोपोस्टामाइन, बोन मैरो सप्रेशन करती है, TLC कम हो जाता है, जब भी हम मैं साइक्लोपोस्टामाइन लिखता हूँ, बहुत सारे पेरेंट्स नेट पे जाके सर्च करते हैं, गूगल करते हैं, कहते हैं तो जी आपने कैंसर की दवाई दे दी। ये सही है कि दवाई कैंसर में भी यूज़ होती है, कुछ लोग आके कहते हैं कैंसर कर सकती है, ये भी बात सही है, लेकिन अगर हम इसको प्रॉपर डोज और प्रॉपर ड्यूरेशन में दें अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन, एक ऐसे कि बच्चों के किडनी स्पेशलिस्ट की सुपरविजन में दें जिसने ये दवा यूज़ कर रखी है, तो हमें मालूम है कि कितनी देनी है, कब तक देनी है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स मॉनिटर करने हैं, और बहुत सेफली मैंने यूज़ की है। मैंने पिछले 30 सालों में कम से कम 10-20 हज़ार बच्चों में ये दिए और बहुत सारे बच्चे ऐसे कम्प्लीटली क्योर हो गए हैं, आजकल नॉर्मल एडल्ट्स हो गए हैं, और भूल भी गए हैं कि उनको किडनी की बीमारी थी कभी। तो एक बहुत इफेक्टिव दवाई है, टाइम टेस्टेड दवाई है और नाप तोल के दी जानी चाहिए। जी ठीक है सर। पाँचवें नंबर पे आती है, एक नई ड्रग्स आई है कैल्शियम न्यूरिन इनहिबिटर्स, जिसमें साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस है। ये भी बहुत 80% बच्चों में स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम में काम करती है। डिसएडवांटेजेस दो हैं, एक तो थोड़ा एक्सपेंसिव है, नंबर दो ये अगर ज़्यादा देर तक यूज़ करें और अनसुपरवाइज यूज़ करें खुद ब खुद किडनी को डैमेज कर देती है। तो आमतौर पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम में किडनी नहीं डैमेज होती, लेकिन अगर ये दवाई यूज़ करेंगे और प्रॉपर ड्रग लेवल मॉनिटरिंग चाहिए इनकी, तो हैज़ टू बी गिवन अंडर एक्सपर्ट सुपरविजन विद प्रॉपर मॉनिटरिंग किसी ऐसे इंसान से जो इसमें यूज़ करी है। हम लोग दुनिया में फर्स्ट ग्रुप में थे जिन लोगों ने इस टैक्रोलिमस को नेफ्रोटिक सिंड्रोम में रिसर्च किया और बताया। हमारी स्टडीज़ पब्लिश हुई नेफ्रोलॉजी डायलिसिस ट्रांसप्लांटेशन नाम की एक फेमस इंटरनेशनल जर्नल में, और तब से मैं कई हज़ार बच्चों में यूज़ कर चुका हूँ। एक डिसएडवांटेज ज़रूर है, और बिसाइड्स कॉस्ट, बिसाइड्स किडनी डैमेज, कि ये जब हम ज़्यादा देर तक दें तो बच्चे इसके आदी हो जाते हैं, टैक्रोलिमस या CNI डिपेंडेंसी आ जाती है, तो इसके लिए भी मैनेज करना ज़रूरी है। लेकिन हाँ, स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, यानी जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम स्टेरॉइड्स को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, उसके लिए ये दीज आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मेडिसिन टिल डेट। उस स्टेरॉइड सेंसिटिव नेफ्रोटिक सिंड्रोम में मैंने बताया कि हम स्टेरॉइड्स, लिबेमिसॉल, माइकोफिनलेट, साइक्लोपोस्टामाइन यूज़ करते हैं और CNIs यानी टैक्रोलिमस या साइक्लोस्पोरिन यूज़ करते हैं, लेकिन स्टेरॉइड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम में
टैक्रोलिमस सबसे इफेक्टिव है, सेकंड फ्रॉम इफेक्टिव दवाई है इंटरवीनस साइक्लोफोसामाइड, जो भी हमारा अपना रिसर्च प्रोटोकॉल है दुनिया में अब यूज हुआ है। तो ये दोनों ड्रग्स टैक्रोलिमस और इंटरवीनस साइक्लोफोसामाइड 10 बहुत इफेक्टिव दवाइयाँ हैं स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे। और आखिरी नंबर पे आती है रिटुक्सिमैब। रिटुक्सिमैब एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, एक नई दवाई है जो पिछले कुछ सालों में आई है। ये इनिशियली आई थी स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम पे, लेकिन बाद में देखा गया कि बहुत अच्छा असर तो नहीं है, लगभग 10-20% में रिस्पॉन्ड करती है, और अगर और किसी चीज़ से बच्चे को रिस्पॉन्स नहीं आ रहा तो हाँ एंड में हम ये ज़रूर यूज़ करते हैं। बहुत महंगी दवाई है, लगभग 30,000 तक इसकी कॉस्ट है रफली, और हम कन्वेंशनली 2 डोज देते हैं 1 हफ्ते के इंटरवल पे। तो अगर और किसी चीज़ से नहीं रिस्पॉन्स आ रहा तो ये दवाई अंडर एक्सपर्ट मेडिकल सुपरविजन, में दोबारा बोलूँगा जिन लोगों ने दवाई यूज़ करी है उन्हीं से दें, क्योंकि थोड़ा कई बार कुछ बच्चों को रिएक्शन होता है। यूजली हम डे केयर में देते हैं, ये 3-4 घंटे की सुपरविजन में देते हैं। कुछ बच्चों को एलर्जी हुई है, लो बीपी हो जाता है, तो उसको भी मॉनिटर करने की फैसिलिटी होनी चाहिए। तो ये तो संक्षिप्त में थी डिफरेंट ट्रीटमेंट्स ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेक्स्ट हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या है, पहले तो जैसे मैंने बताया सूजन ज़्यादा आ जाती है, बॉडी में पानी भर जाता है। तो जो कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन हम देखते हैं वो होता है एडिमा यानी सूजन। अगर हम इसको शुरुआत में ही ट्रीट कर लें तो ये सूजन नहीं आएगी तो बच्चा एडिमा से बच सकता है। सेकंड कॉम्प्लिकेशन होती है इन्फेक्शंस, और इन्फेक्शंस क्यों होती हैं बच्चे में, जब आपने देखा होगा कि सड़क में कभी पानी खड़ा हो रहा है तो उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं, तो इसी तरह बॉडी में अगर एक्सेस वाटर है तो इन्फेक्शंस होगी। तो 3 कॉमन इन्फेक्शंस होती हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हमारे एक्सपीरियंस में, ये भी हमने रिसर्च करके पब्लिश किया है। कॉमनेस्ट इन्फेक्शन होती है अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिससे ट्रिगर होता है, ये ज़्यादा सीरियस नहीं होती। लेकिन जो 3 सीरियस इन्फेक्शंस हैं, नंबर 1 पे पेरिटोनाइटिस आता है, पेट में पानी भर जाता है, उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है। नंबर 2 पे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आती हैं, और नंबर 3 पे ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस तो आपने देखा है इंडिया में वैसे ही कॉमन है, और नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चों में जो हमारी अपनी रिसर्च थी कि 10 गुना ज़्यादा रिस्क रहता है, क्योंकि हम इनको बार बार स्टेरॉइड्स देते हैं और उससे इनकी इम्यूनिटी कम होती है। इसलिए इनडेफिनेटली स्टेरॉइड्स देना अंडर सुपरविजन ठीक नहीं है। और क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, रेयर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि नसों में खून जमना, रीनल वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, ये पैर की नसों में होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है, दिमाग की नसों में होता है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस हो सकता है। बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है लेकिन पोटेंशियली सीरियस कॉम्प्लिकेशन है, कई बार लंग्स में एम्बोलिज्म क्लॉट्स जा सकते हैं, बट नेवरदलेस ये हो सकता है। इसीलिए कैसे हम इसको करें कि क्विकली हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करें और जल्दी से जल्दी प्रोटीन लीकेज को बंद करें, तो जो वीनस थ्रोम्बोसिस का रिस्क है वो कम हो जाता है। और लास्ट ये आता है किडनी डैमेज, ये बहुत ही रेयर कॉम्प्लिकेशन है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का, और जनरली हमने देखा है स्टेरॉयड रेजिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम, जो नेफ्रोटिक सिंड्रोम किसी चीज़ को नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, प्रोटीन लीकेज लगातार बना हुआ है, तो बार बार प्रोटीन लीकेज हो रहा है तो किडनी के फिल्टर्स को ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स इरिवर्सिबल डैमेज हो जाता है। तो ऐसे में यही है कि आप एक्सपर्ट मेडिकल सुपरविजन लें। कुछ केसेस में हम लोग किडनी बायोप्सी करते हैं, क्योंकि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के प्रिसाइज ट्रीटमेंट हमें पकड़ना ज़रूरी होता है, और अगर हम ये सब उपचार करेंगे तो हमें पता चलेगा टाइम पे इसका डायग्नोसिस होगा, टाइम पे ट्रीटमेंट होगी। और आपने सुना होगा कि स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, यानी अर्ली ट्रीटमेंट रहेंगे तो कॉम्प्लिकेशन से बचेंगे। लास्ट में आपको बताऊँगा कि वॉट इज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स। तो ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक बहुत सिंपल डिजीज़ है, लेकिन ये लंबे अरसे तक चलती है, ये एक बार में नहीं जाती। तो इसमें इसीलिए पेरेंट्स का बहुत अहम रोल है और होम मॉनिटरिंग। तो एक बार जब डॉक्टर आपकी ट्रीटमेंट शुरू करता है तो आपको घर पे ही पेशाब की पत्तियों से एक सिंपल ऐसी पत्ती सी स्ट्रिप होती है जिससे आप मॉनिटर करते हैं कि ये प्रोटीन लीकेज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप मॉर्निंग का यूरिन कलेक्ट करें और
उसको जो पत्ती है उसको यूरिन में डिप करें और उसको उसका रंग बदल जाता है। लगभग एक शीशी लगभग 350 रुपये की होती है, तो उसमें 50 स्ट्रिप्स होती हैं, 7-8 रुपये की एक स्ट्रिप पड़ती है। तो हम एक नेफ्रोटिक डायरी बोल देते हैं पेरेंट्स को, एक डायरी ले लीजिए जिसमें एक डेट का कॉलम बना दीजिए, एक यूरिन प्रोटीन का कॉलम बना दीजिए और एक कितनी मेडिसिन चल रही है, क्योंकि ये मेडिसिन को हमें मॉनिटर करना है। तो एक नेफ्रोटिक डायरी बनाएंगे, एक आप यूरिन स्टिक्स रखेंगे, तो इसलिए ये पेरेंट्स का रोल है। डाइट के क्या प्रिकॉशंस हैं, देखिए बाकी किडनी की डिजीज से ये बिल्कुल भिन्न है। आपने सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन रखनी है, वो है नमक। जब प्रोटीन आ रहा है तो नमक कम देना है, जब प्रोटीन नहीं आ रहा, बच्चा रिविशन में है, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो बाकी कई सारे पेशेंट्स प्रोटीन बंद कर देते हैं और सरासर गलत है, क्योंकि प्रोटीन तो लीकेज हो रही है, आपको प्रोटीन इनफैक्ट एक्स्ट्रा देना है प्रोटीन की लेवल बढ़ाने के लिए, और कोई डायटरी रिस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं। और जब बच्चा रिविशन में होता है, शुड बी ट्रीटेड लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड। पेरेंट्स का एक और सवाल होता है, क्या बच्चे को हम स्कूल भेज सकते हैं? बिल्कुल ज़रूरी, क्योंकि ये बीमारी एक बार में जाने वाली नहीं है। 80% ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम चिल्ड्रन विल रिलैप्स, जैसे मैंने बताया था, और ये बार बार फिल्टर्स टाइट करने से ही रिमिशन होता है। तो ये कई बच्चों में सालों साल चलती है, इसलिए स्कूलिंग को बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करें, लेट द चाइल्ड हैव अ नॉर्मल लाइफस्टाइल। एक प्रिकॉशन पेरेंट्स को और लेनी है, वो है वैक्सीनेशन की। हम जो लाइव वैक्सीन होती हैं, ये दो तरह की वैक्सीन होती हैं, एक किल्ड वैक्सीन, एक लाइव वैक्सीन। तो जहाँ तक किल्ड वैक्सीन, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हैं, उसके लिए कोई प्रिकॉशन की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये है कि स्टेरॉयड जब कम दे रहे हों तो तब वैक्सीनेशन होनी चाहिए, या कम से कम 1 महीने का इंटरवल मिल जाए हमें बंद होने का। लेकिन अगर बार बार रिलैप्सेस हो रहे हैं तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वैक्सीनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट इन्फेक्शन। जो लाइव वैक्सीन होती हैं, जैसे पोलियो वैक्सीन होती है, चिकन पॉक्स वैक्सीन होती है, मीजल्स वैक्सीन होती है, ये ज़रूर हम कॉशियस रहते हैं कि ड्यूरिंग स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसिव ट्रीटमेंट वैक्सीनेशन नहीं देते, क्योंकि ऐसे में वायरस का रिस्क फैलना का रिस्क बढ़ जाता है। कॉमनली देखा गया है कि बच्चों को स्कूल में ओरल आते हैं, ओरल पोलियो वैक्सीन दे दी जाती है, उनको टीचर को भी नहीं पता होता कि इनका नेफ्रोटिक सिंड्रोम है। तो अपने बच्चों की डायरी में बड़ा बड़ा लिख के रखें टीचर्स के लिए कि नो लाइव वैक्सीन या नो पोलियो वैक्सीन, ताकि स्कूल में पल्स पोलियो अभियान के दौरान उनको एटलीस्ट ओरल पोलियो वैक्सीन नहीं दी जाए। इसका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, इनएक्टिवेटेड या किल्ड पोलियो वैक्सीन अवेलेबल है जो इंजेक्शन से देते हैं, तो आपके पीडियाट्रिशियन आपको बता देंगे कि इनको किल्ड वैक्सीन सर्टनली दी जा सकती है। फाइनल क्वेश्चन ये आता है, पेरेंट्स पूछते हैं कि क्या ये उम्र के साथ ठीक हो जाएगी, इज इट क्योरेबल? तो ये कहना पूरी तरह से ठीक नहीं है कि ये बच्चे की उम्र के साथ ठीक हो जाती है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हम कोई दवाई नहीं देंगे, हम वेट करेंगे कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा तो वो ठीक हो जाएगी। नहीं, इसकी ट्रीटमेंट ज़रूरी है, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, इसलिए ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। हाँ, बार बार ट्रीटमेंट देने से फिल्टर्स रिपीटेडली टाइट हो जाते हैं और विद टाइम ये क्योर हो जाती है। तो ओवरऑल क्योर रेट इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज मोर देन 95%। आप चिंता ना करें, फर्स्ट डायग्नोसिस पे ही एक एक्सपर्ट ट्रीटमेंट लें, ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स को मिनिमाइज करें, कॉम्प्लिकेशंस को मिनिमाइज करें, और अगर ये सब करेंगे तो दिस योर चाइल्ड विद नेफ्रोटिक सिंड्रोम विल हैव अ नॉर्मल एडल्ट लाइफ। बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जो आज उनकी शादी हो गई है, बच्चे पैदा हो गए हैं और बिल्कुल नॉर्मल लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। थैंक यू।